इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ऑन्डम इंजेक्शन के बारे में। ऑन्डम इंजेक्शन का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने यूज़ करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, तो ऑन्डम इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं ऑन्डम इंजेक्शन, जो कि हमारे पास 2 ml का इंजेक्शन है, जिसकी MRP की बात करें, जिसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास इंजेक्शन है उसकी MRP 14.51 यानी कि 14 रुपये करीब इसकी MRP है। ऑन्डम इंजेक्शन को एल्कम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ऑन्डम इंजेक्शन के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंस है ऑन्डासेट्रॉन्स 2 mg इंजेक्शन के अंदर डाले गए हैं। ऑन्डम इंजेक्शन के यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल मिचलियाना और उल्टी के इलाज और रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऑन्डम इंजेक्शन का इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है, नोजिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑन्डम इंजेक्शन का इस्तेमाल सर्जरी के बाद या कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कारण मिचलियाना और उल्टी की रोकथाम के लिए आपको ऑन्डम इंजेक्शन लेने की सलाह दी जा सकती है। ऑन्डम इंजेक्शन एक एंटी मेटिक्स दवाई है, जिसे आमतौर पर मिचलियाना उल्टी नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर पेट खराब होने जैसी समस्याओं के कारण होते हैं। इसका उपयोग सर्जरी, कैंसर ड्रग थेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण होने वाली मिचलियाना और उल्टी को रोकने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन्डम इंजेक्शन की कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, कब्ज होना, थकान होना, हेडेक होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ऑन्डम इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देगा, कृपया स्वयं उपयोग न करें। ऑन्डम इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ऑन्डम इंजेक्शन। ऑन्डम इंजेक्शन के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि ऑन्डासेट्रॉन 2 mg इंजेक्शन, वो एक एंटीमेटिक्स दवाई है। ब्रेन में केमिकल मैसेंजर्स यानी कि सेरोटोनिन की क्रिया को ब्लॉक करके काम करता है, जिसे कैंसरोधी इलाज यानी कि कीमोथेरेपी या सर्जरी के बाद मिचली और उल्टी आ सकती है। ऑन्डम इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी दिया है, वहाँ पर बताएं। ऑन्डम इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था।